आज पूरे देश भर में हनुमान जयंती का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 40B में स्थित श्री हनुमान धाम में और आज हम बात करेंगे इस मंदिर की प्रधान श्रीमती नीना तिवारी जी से। आइए उनसे बात करते हैं। आइए। नमस्कार मैम, कैसी हैं? जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैम शुरुआत करते हैं, पहले हम बताइए कि इस मंदिर की महत्व क्या है, इसकी खोज के बारे में थोड़ा बताइए। जय श्री राम। आज हनुमान जी का जन्म उत्सव है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। पूरे देश में बहुत उमंग और बहुत उत्साह के साथ पर्व को आज मनाया जा रहा है। हमारे हनुमान धाम में पंचमुखी हनुमान जी सिद्ध पीठ विराजमान है, जो कि ट्राई सिटी में कहीं भी नज़दीक पंचमुखी हनुमान जी नहीं है, तो हमारे हनुमान धाम में ही पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो और इसकी एक विशेषता है कि जहाँ महिलाओं की कमेटी है, हमारे कोई पुरुष कमेटी नहीं है, एक ही हनुमान जी हमारे हैं जो हमारे आगे आगे चलते हैं और हमें आदेश करते हैं, उसका पालन हम सारे महिलाएं कमेटी करती हैं। तो हर पर्व को बहुत भव्य और बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि महिलाओं में एक अलग से क्रिएट करता है कि जो भी प्रोग्राम करना वो अलग से एक अलग से क्रिएट होता है कि मैं इसको प्रोग्राम को बहुत बढ़िया करूँ। तो उसके उपलक्ष्य में हम पिछले 15-20 दिन से इस प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर बनाने में लगी तैयारी लगी है। देखिए आप देखो, जगह जगह पर सजाई है, झंडियाँ खुद अपने हाथों से बनवाई है और ये बहुत बढ़िया बैलून लगाई है और इसके इस प्रकार 3 बजे अभी खीर का लंगर चल रहा है, अभी जलेबी का लंगर चलेगा, लड्डू का लंगर चलेगा 3 बजे। तो 3 बजे सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा, उसके बाद हनुमान चालीसा संकट मोचन और फिर 6 बजे भव्य महाआरती होगी। तो उस उपलक्ष्य में हम सब भक्तों को, जितने भक्त जहाँ भगवान जी का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं 3 बजे आएंगे, तो उनको हम एक एक गदा और एक एक झंडा उपहार के रूप में हनुमान जी की ओर से देंगे। और हम लोग अयोध्या गए थे अभी राम जी को मिलने के लिए, वहाँ एक हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है हनुमान गढ़ी। तो पहले अगर आप अयोध्या कभी भी आप भी जाओ तो पहले हनुमान जी के पास जाओ, उनसे मतलब आज्ञा लो कि हमने हनुमान जी को मिलना, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है। तो हमने सोचा आज्ञा लेकर हमने राम जी को मिल कर आए हैं और वहाँ से हनुमान गढ़ी से एक रक्षा सूत्र सब लोगों के लिए वहाँ से लेकर आए हैं, जो कि 3 वर्ष से हम स्टार्ट करेंगे उसको बांधना। अभी पंडित जी उसको मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम उस रक्षा सूत्र को सभी को बांधेंगे। वीर हनुमान जी सबकी रक्षा करें। और क्या कहूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा आज तो आज देखकर लाइन लगी, आप देख ही रहे हो, सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक रात का ऐसे 9-10 बजे तक चलेगा। तो लोगों में भी काफ़ी उत्साह है, बहुत ज़्यादा उमंग है, लोगों के काम बहुत पूरे हो रहे हैं। फॉरन से भी लोग, हम लोगों का भी फ़ोन आए हैं कि हमारी तरफ से भी मतलब मत्था टेक देना, हमारी ब्लेसिंग चाहिए, उनको हमने वीडियो कॉल से भी भगवान जी के दर्शन कराए हैं। तो एक आस्था बनी हुई है हनुमान धाम के साथ लोगों की, विशेष आस्था है। मैं तो इतना कहूँगी कि आप भी आए, जो भी भगत आए जूनियर भर के जाए और कोई भी खाली ना जाए। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ श्रीमती नीना तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि आज सुबह 4-5 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लोगों में इतना उत्साह है, इतना उमंग है इस पर्व को लेके, हनुमान जयंती को लेके। मैं नियति शर्मा, कैमरामैन अशोक टंडन के साथ अर्थ प्रकाश की।